मॉनसून की बारिश ने सब्जियों की कीमतों में आग लगा दी है। सबसे ज्यादा तो टमाटर के दाम परेशान कर रहे हैं। ऐसे में किसी का टमाटर चोरी हो जाए तो उस पर क्या गुजरेगा। इस वीडियो में हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं, वहाँ एक टमाटर नहीं बल्कि एक ट्रक टमाटर पर कब्जा कर लिया गया। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूँ अंकिता। आपको ये सुनकर अचरज होगा कि कर्नाटक में तकरीबन 2.5 टन टमाटर से भरा ट्रक हाईजैक हो गया। प्लेन और बस के हाईजैक की खबर तो आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर टमाटर से भरा ट्रक हाईजैक हो गया। इस 2.5 टन टमाटर की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि 8 जुलाई को चित्रदुर्ग का किसान मल्लेश टमाटर लेकर कोलार जा रहा था। रास्ते में ट्रक की एक कार से टक्कर हो गई, जिसमें कार का शीशा टूट गया। कार में सवार 3 लोगों ने किसान और ड्राइवर को रोक लिया। आरोपियों ने दोनों से गाली गलौज भी की और हर्जाने में बड़ी रकम की मांग भी कर दी, लेकिन किसान के पास उतने पैसे नहीं थे। उसने समझाने की कोशिश की, पर आरोपियों ने ट्रक पर कब्जा कर लिया। घटना बेंगलुरु के करीब चिक्का जला की है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पता था कि किसान के पास पैसे नहीं है, ऐसे में उन्होंने किसान को धक्का दिया और ट्रक लेकर भाग निकले। पुलिस ने किसान की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और तीनों आरोपियों को तलाश रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कर्नाटक में एक महिला के खेत से 2.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी हुए थे। चोर 4 जुलाई की रात हासन जिले के गोनी सोमन हल्ली गांव में पहुंचे और खेत से 50 से 60 बैग टमाटर लेकर फरार हो गए। महिला किसान की शिकायत पर हेलीबीडू थाने में चोरी का केस दर्ज किया गया था। उसने बताया कि चोरी तब हुई जब टमाटर की कीमत 120 रुपए प्रति किलो से ऊपर थी और वो फसल काटकर बेंगलुरु के बाजार में ले जाने की तैयारी कर रही थी। पूरी घटना पर पुलिस ने भी अचरज जताते हुए कहा कि हमने सुपारी और बाकी कमर्शियल फसलों की चोरी के बारे में सुना था, लेकिन कभी नहीं सुना कि किसी ने टमाटर चुराए हो। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।